वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW डेब्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर पेपर व्यू का वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल सिंगल मैच शुरू होने वाला है, जहां पर आज पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे AEW डेब्यू के अंदर उनके फॉर्मर टैग पार्टनर काइल फ्लेचर को फेस करेंगे। और ये यहां पर AEW डेब्यू के अंदर डेफिनेटली ऑस्प्रे के लिए अब तक का बिगेस्ट इमोशनल मैच होने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने NJPW में एक साथ लंबे टाइम तक काम किया है। और काइल फ्लेचर के हील टर्न के बाद आज यहां पर इस मैच के अंदर डेफिनेटली यहां पर डॉन केलिस फैमिली की इंटरफेरेंस होगी। और देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्प्रे और फ्लेचर के इस मैच के अंदर क्या मार्क डेविस मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। बट बात करें अगर यहां पर मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से फुल गियर के ऊपर आज अगर इंटरफेरेंस नहीं होती गए तो ऑस्प्रे काइल फ्लेचर को बीट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीतेंगे। बट इसके अलावा AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर आज AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां प्राइवेट पार्टी उनका टाइटल एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन टीम के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और प्राइवेट पार्टी हमें यहां पर शो के ऊपर द हाउस ऑफ ब्लैक आउटरनर और अक्लेम को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और बात करें मैच के विनर की, तो वैसे तो ये मैच फेटल फोर वे है, और अगर किसी को टाइटल को जीतना है तो उन्हें यहां पर चैंपियंस को पिन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट फिलहाल यहां पर मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट पार्टी आज उनका टाइटल हारेंगे, क्योंकि प्राइवेट पार्टी हाल फिलहाल में ही AEW के ऊपर चैंपियन बने गए, और इतनी जल्दी प्राइवेट पार्टी का टाइटल हारना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा। और इसीलिए मेरे हिसाब से प्राइवेट पार्टी शो के ऊपर आज उनके टाइटल को रिटेन करने वाले हैं।